नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपके सामने लाए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी पॉलिसी, इसके अलावा UGC पे स्केल को लेकर, दूसरी ओर क्या हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल होगी, तो तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं विस्तार रूप से इस खबर को। तो हिमाचल की कैबिनेट में नहीं आएगी आउटसोर्स पॉलिसी, अभी करना होगा इंतज़ार, जल शक्ति मंत्री की रिपोर्ट फाइनल नहीं। जयराम सरकार की आउटसोर्स पॉलिसी अगली कैबिनेट में भी नहीं आ पाएगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार अभी और करना होगा। वजह यह है कि कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और अन्य सदस्य मंत्री अभी रिपोर्ट फाइनल नहीं कर पाए हैं और आखिरी बैठक कैबिनेट सब कमेटी को अभी करनी है। सब कमेटी के अध्यक्ष 27 जुलाई की शाम को शिमला पहुँचेंगे और 28 को फिर कैबिनेट की बैठक है। वहीं से पहले के फिर दौरे पहले से तय हैं, जिसके तहत हमीरपुर में कारगिल विजय दिवस है और मंडी और कुल्लू का दौरा भी मंत्री का इसी दौरान है, इसलिए 28 की कैबिनेट में आउटसोर्स पॉलिसी नहीं जाएगी। इसके बाद होने वाली कैबिनेट से पहले यह फाइनल हो सकती है। इसी तरह से राइडर में फंसे कर्मचारियों को राहत देने के लिए वेतन आयोग के संशोधित रूल्स भी अभी तक तय नहीं हुए हैं। वित्त विभाग दरअसल UGC पे स्केल की फाइल को क्लियर करने में लगा हुआ है और यह मामला अगले कैबिनेट में 28 जुलाई को हल हो जाएगा ऐसी उम्मीद है, लेकिन पे रिवीजन रूल्स फाइनल होंगे या नहीं इसके लिए अभी इंतज़ार करना होगा। दूसरी ओर बात करें तो 28 जुलाई की कैबिनेट से पहले 25 जुलाई को ओल्ड पेंशन पर एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सोमवार यानी कल होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता कर्मचारी कल्याण बोर्ड के नव नियुक्त उप अध्यक्ष घनश्याम शर्मा करेंगे। इसमें NPS के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। हालांकि आखिरी वक्त में सरकार ने यह रणनीति क्यों अपनाई यह तो बैठक के बाद ही पता चलेगा। NPS कर्मचारी संघ रविवार यानी आज 24 जुलाई को रामपुर में जिला स्तरीय प्रदर्शन कर रहा है। तो यही है बड़ी खास खबर कि हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कैबिनेट बैठक में स्थायी पॉलिसी का मुद्दा नहीं लगेगा। वहीं बात करें तो राइडर में फंसे कर्मचारियों को राहत देने के लिए वेतन आयोग के संशोधित रूल्स अभी तय नहीं हो पाए हैं। तो दूसरी ओर बात करें तो कैबिनेट से पहले 25 जुलाई को ओल्ड पेंशन पर एक महत्वपूर्ण बैठक सरकार ने बुलाई है। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।